कलकत्ता से 400 किलोमीटर दूर नोआखली, आज के बांग्लादेश में पड़ने वाला ये छोटा सा जिला हिंदुओं के सबसे बड़े नरसंहार का स्मारक है। वो शरद पूर्णिमा का दिन था। बंगाली हिंदू इस दिन पारंपरिक रूप से माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इसे बंगाल में कोजागरी पूजा के नाम से जाना जाता है। 10 अक्टूबर वर्ष 1946, स्थान नोआखली, बंगाल। सूफी दरगाह दायरा शरीफ के खादिम पीर गुलाम सरवर ने 20,000 मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा, अपने खेतों में तुम जो चावल उगाते हो उसे कौन खाता है? हिंदू खाते हैं। हिंदुओं की औरतें सुंदर क्यों होती हैं? क्योंकि उन्हें अच्छा खाना मिलता है। हमारी औरतें बीमार पड़ती हैं तो उन्हें अपने हाथों से कौन टटोलता है? हिंदू डॉक्टर। सामने नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर चिल्लाती हजारों मुसलमानों की भीड़ थी। कसम खाई गई कि नोआखली में हर काफिर और कुफर के हर निशान को मिटा दिया जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे लगभग 2 महीने पहले कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से हुआ था। कलकत्ता की ही तरह हाथों में चाकू और डंडा से लिए जिहादी भीड़ ने चुन चुन कर हिंदू पुरुषों को मारना और हिंदू महिलाओं से बलात्कार शुरू कर दिया। हिंदुओं की दुकानों और मकानों में आग लगाया जाने लगा। हिंदुओं से कह दिया गया था कि जिंदा रहना है तो उन्हें इस्लाम कबूल ना होगा। जस्टिस डीडी खोसला ने भारत के विभाजन पर अपनी पुस्तक स्टर्न रेकनिंग में लिखा है, भीड़ ने नारायणपुर के जमींदार सुरेंद्रनाथ बोस के मकान पर हमला बोला। वे परिवार के साथ छत पर चले गए। दंगाइयों ने घर में आग लगा दी। घर जलने लगा तो सुरेंद्र बाबू ने छत से छलांग लगा दी। वे दंगाइयों के सामने ही गिरे। उन्मादी मुसलमानों ने उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले और उनका कटा हुआ सिर पास में ही खड़े पीर गुलाम सरवर को भेंट किया। ऐसा नहीं है कि नोआखली के हिंदुओं ने प्रतिरोध नहीं किया। हिंदू महासभा के नेता और वकील राजेंद्र लाल रॉय चौधरी ने लोगों को संगठित करके संघर्ष का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। उनके घर को भी जला दिया गया। मजहबी दंगाई राजेंद्र लाल रॉय चौधरी को अपने साथ ले गए। बाद में उनका कटा हुआ सिर सूफी गुलाम सरवर को पेश किया गया। उनकी 2 बेटियों को मौलवियों ने आपस में बांट लिया। कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे के विरोध में गोपाल पाठा ने हथियार उठाया था। उनका प्रतिरोध सफल रहा था क्योंकि कलकत्ता में हिंदुओं की जनसंख्या अधिक थी, जबकि नोआखली में हिंदू मात्र 20% थे, जबकि मुसलमान 80% थे। तब जो नोआखली में हुआ वो आज हम कश्मीर से लेकर केरल और कैराना तक में आए दिन देखते हैं। 10 अक्टूबर 1946 को शुरू हुआ ये हिंदू नरसंहार चलता रहा और बाकी देश में किसी को कुछ भी पता नहीं चलने पाया। 15 अक्टूबर को नोआखली नरसंहार की सूचना दिल्ली पहुंची। 17 अक्टूबर को गांधी जी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हिंदू महिलाओं को मारने की कला सीखनी होगी। बलात्कारी के सामने झुकने से अच्छा है कि वे अपने हाथों से अपना गला घोंटकर या जीभ दांतों में दबाकर मर जाएं। गांधी के इस असंवेदनशील बयान से पूरे देश में हिंदुओं में कड़ी प्रतिक्रिया हुई। इसलिए अगले दिन उन्होंने प्रार्थना सभा में अपने विचारों को और भी स्पष्ट करते हुए कहा, कल मैंने कहा था कि हिंदू महिलाएं अपना गला घोंटकर या जीभ दांतों से काटकर मर जाएं, लेकिन मुझे बताया गया है कि ऐसा करने से आत्महत्या संभव नहीं है। ऐसे में मैं हिंदू महिलाओं को जहर खाने की सलाह दूंगा। मैंने सुना है कि योग क्रिया से भी आत्महत्या की जा सकती है। मैं पता करूंगा कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। नोआखली में हिंदू मारे जा रहे थे। अहिंसा और शांति के पुजारी गांधी जी हिंदू महिलाओं को आत्महत्या करने के नए नए उपाय बता रहे थे। नोआखली और आसपास के क्षेत्रों में जिहादी निर्वस्त्र हिंदू महिलाओं के जुलूस निकाले जा रहे थे, लेकिन गांधी शांति और अहिंसा की अपनी विकृत धारणा का सार्वजनिक प्रदर्शन पूरी निर्लज्जता से करते रहे। 19 अक्टूबर को कलकत्ता के अमृत बाजार पत्रिका में एक समाचार छपा जिसमें नोआखली के विभूति भूषण दास के हवाले से शीर्षक दिया गया, वी ऑल हैव बिकम मुस्लिम। इसमें बताया गया कि नोआखली में अधिकांश हिंदू पुरुषों को काट डाला गया है, महिलाओं और बच्चों को जबरन मुसलमान बना दिया गया, उन्हें गोमांस खिलाया जा रहा है और 5 वक्त नमाज पढ़ने का आदेश दिया गया है। बंगाल के तत्कालीन गवर्नर ने भी अपनी रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की। नोआखली में जिन पुरुषों की हत्या की गई उनकी विधवाओं का निकाह उनके ही पति के हत्यारे के साथ पढ़वाया गया। बूढ़े मौलवियों की गिद्ध दृष्टि छोटी बच्चियों पर थी जिन्हें वे अपनी हवस का शिकार बना सके। गांधी के कहने पर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष आचार्य कृपलानी और उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी नोआखली के दौरे पर गईं। आचार्य कृपलानी ने अपनी पुस्तक गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स में लिखा है कि हमारी मुलाकात बंगाल के मुख्यमंत्री सुहरावर्दी और गवर्नर फ्रेडरिक बरूद से हुई। जब मैंने हिंदू महिलाओं के अपहरण और बलात्कार की बात पूछी तो गवर्नर बरूद ने उत्तर दिया, ये तो होना ही था, हिंदू महिलाएं मुस्लिम महिलाओं की तुलना में अधिक सुंदर होती हैं। मेरा मन किया कि मैं उन्हें वहीं पर पीट दूं, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। सुचेता कृपलानी ने कुछ हिंदू महिलाओं को बचाकर राहत कैंपों तक लाने में सफलता पाई। पीर गुलाम सरवर हुसैनी इस बात से इतना भड़क गया कि उसने फतवा जारी करके कहा कि जो भी सुचेता कृपलानी के साथ बलात्कार करेगा उसे गाजी की उपाधि दी जाएगी। इसका परिणाम हुआ कि सुचेता कृपलानी हर समय अपने साथ
जहर का कैप्सूल रखा करती थी। नोआखली नरसंहार शुरू होने के पूरे एक महीने बाद गांधी ने वहां का दौरा किया। वे सबसे पहले पास के तिपरा नाम के स्थान पर गए। यहां दंगा पीड़ित हिंदुओं के लिए राहत शिविर चला रही सुचेता कृपलानी के साथ गांधी की मुलाकात हुई। उनके काम से खुश होने के बजाय गांधी जी ने सुचेता कृपलानी से कहा कि कैंप में रह रही हिंदू महिलाओं को निशुल्क खाना ना दिया जाए, बदले में उनसे काम कराया जाए। गांधी जी ने सुचेता कृपलानी को ये निर्देश भी दिया कि वे इन हिंदू महिलाओं से कहें कि वे वापस अपने गांव में जाकर मुसलमानों के साथ मिलजुल कर रहें, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। नाथूराम गोडसे और उनके मित्र नारायण आप्टे भी तब नोआखली गए थे। वहां पर वे राहत कैंपों में रह रहे हिंदुओं की सेवा करते थे। गोडसे और आप्टे ने वहां जो कुछ देखा और गांधी की बातें सुनी, ये कहना गलत नहीं होगा कि वही आगे चलकर गांधी की हत्या का कारण बना होगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय ने नोआखली में हिंदुओं के नरसंहार और महिलाओं से बलात्कार के वृतांत सुने तो उन्हें गहरा सदमा लगा। इसी कारण 12 नवंबर 1946 को उनका निधन हो गया। स्वतंत्रता के बाद बंगाल के पहले मुख्यमंत्री बने प्रफुल्ल चंद घोष ने अपनी पुस्तक गांधी एज आई सॉ हिम में लिखा है, गांधी जी ने एक युवा से पूछा कि नोआखली में हिंदुओं और मुसलमानों की जनसंख्या का अनुपात क्या है। युवा ने उत्तर दिया, हिंदू 20% है और मुसलमान 80%। गांधी जी ने पूछा, जमीनें किस अनुपात में है? युवक ने बोला, 80% जमीनें हिंदुओं की हैं और 20% मुसलमानों की। तब गांधी ने कहा, संघर्ष का असली कारण यही है। अर्थात जिस व्यक्ति को राष्ट्रपिता बताकर देश पर थोप दिया गया, उसने जिहादियों के हाथों हिंदुओं के नरसंहार को आर्थिक असमानता से जोड़ दिया, जबकि नोआखली में रहने वाले हिंदुओं में बड़ी संख्या अनुसूचित जातियों की भी थी। ये लोग बहुत निर्धन थे। जिहादियों ने उनके भी पुरुषों की हत्या की और महिलाओं के साथ बलात्कार किया। लेकिन गांधी का ध्यान केवल जिहादी हिंसा का बचाव करने पर था। इसमें वो बहुत हद तक सफल भी रहे। स्कूली इतिहास की पुस्तकों में भी नोआखली नरसंहार को अमीर और गरीब के संघर्ष की तरह दिखाया जाता है। आज भी देश में अधिकांश लोग नहीं जानते कि नोआखली में क्या हुआ था और कैसे। वही हत्यारी मानसिकता आज भी देश भर में फल फूल रही है। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया। बंटवारे में नोआखली पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। वहां पर हिंदुओं का नरसंहार जारी रहा। अब तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस नरसंहार में 5,000 हिंदुओं की हत्या हुई। हालांकि दावा किया जाता है कि वास्तविक संख्या 50,000 से कम नहीं होगी। वर्ष 1946 में नोआखली में लगभग 4,00,000 हिंदू रहते थे। उनमें से 95% को बलपूर्वक इस्लाम कबूल करना पड़ा। शरद पूर्णिमा या कोजागरी के दिन माता लक्ष्मी के 8 रूपों की पूजा की जाती है। इन्हें अष्टलक्ष्मी कहते हैं। इनमें से एक रूप वीर लक्ष्मी का है। इस रूप में माता धन धान्य के साथ अपने हाथों में चक्र, गदा और धनुष बाण भी धारण करती हैं।